हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और लास्ट एक वीडियो बनाई थी मैंने जिसके अंदर हमने बात की थी गूगल पॉलिसी की न्यू अपडेट के ऊपर, विच इज़ के 20 टेस्टर रिक्वायर्ड हैं आपको अपनी एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे ले जाने के लिए। और उसके अंदर काफ़ी लोगों के कमेंट्स आए थे कि यार प्रोडक्शन पे ले जाने के लिए जो 20 टेस्टर का जो प्रोसेस है वो किस तरह से कम्प्लीट होगा और हम कैसे 20 टेस्टर कलेक्ट करेंगे और किस तरह से फीडबैक उनसे लेंगे 14 डेज तक, क्योंकि गूगल की पॉलिसी थी कि आपको 14 टेस्टर्स चाहिए वो भी 2 हफ्तों के लिए और तब आपका प्रोडक्शन का जो चेक है ना वो इनेबल्ड होगा। मतलब प्रोडक्शन पे जब आप उसको सबमिट करते ना तो वो टैब ही आपका जब इनेबल्ड होगा जब आप उसको 14 डेज तक टेस्टिंग करवाएंगे। तो ये सारा जो प्रोसेस है ना वो न्यू अकाउंट के ऊपर है। मेरे पास ऑलरेडी 2-3 अकाउंट्स हैं लेकिन वो सारे पुराने अकाउंट्स हैं गूगल के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखें इस स्क्रीनशॉट के अंदर लिखा हुआ है कि नवंबर 13 के बाद से जो भी अकाउंट होगा या जो भी एप्लीकेशन पब्लिश होगी न्यू अकाउंट के ऊपर उसके ऊपर ये खाली जो पॉलिसी है ना वो अप्लाई होगी। उससे पहले जितने भी अकाउंट्स चल रहे थे उसके ऊपर कोई मसला नहीं है। तो एज आई सेड कि मेरे पास जो है ना पुराने अकाउंट हैं, नया अकाउंट नहीं है और मैं नया अकाउंट नहीं ले सकता सिर्फ इस वीडियो के लिए। तो मैं जो कंप्लीट गाइड है ना वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि आपको क्या क्या करना होगा, कहाँ कहाँ पे आपको टेस्टर्स के फीडबैक मिलेंगे और इन्होंने अपनी जो गाइडलाइंस में जो जो चीज़ें डाली हैं वो जो आपको मेक श्योर करना है कि वो कंप्लीट हों या फुलफिल हों। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर जो है ना, सबसे पहला इन्होंने एक जर्नल वो चीज़ लिखी है, हमारी एक नई पॉलिसी है जिसमें नवंबर 13 के बाद से जो भी एप्लीकेशन पब्लिश करेगा उसको हमारी न्यू रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी, ठीक है। इसके बाद इन्होंने लिखा है कि यार प्रोडक्शन और प्री रजिस्ट्रेशन का जो टैब है ना वो डिसेबल्ड होगा जब तक हमारी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेंगे आप, ठीक है जी, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद अब बात होती है कि ओवरव्यू ऑफ टेस्टिंग रिक्वायरमेंट, टेस्टिंग रिक्वायरमेंट जो है उसकी इन्होंने बात की है कि 20 टेस्टर्स इनको चाहिए होंगे और उसमें उनका फीडबैक चाहिए होगा 14 दिन तक। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर जो है 4 कैटेगरीज होती हैं प्ले स्टोर के ऊपर, इंटरनल टेस्ट होता है, क्लोज टेस्ट, ओपन टेस्ट और प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन तो खैर टेस्टिंग नहीं होता, वो तो डायरेक्टली आपकी एप्लीकेशन पब्लिश हो जाती है फॉर दी ओपन वर्ल्ड। और क्लोज टेस्टिंग के ऊपर आपने ये सारा काम करना होगा क्लोज टेस्टिंग के अंदर ना, क्योंकि देखें यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि जो भी आप एप्लीकेशन डालेंगे ना वो क्लोज टेस्टिंग के अंदर होगी अल्फा के अंदर, और उस अल्फा के अंदर आपके 20 टेस्टर्स होने चाहिए। अब वो कैसे होते हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये देखें यहाँ पे क्लोज टेस्टिंग आ रहा है बीटा अल्फा जिसके अंदर भी आप जिस भी ट्रैक पे लगाने चाहें अल्फा के ऊपर लगाइएगा। यहाँ पे जो टेस्टर्स का अकाउंट आ रहा है ना यहाँ पे आपने ईमेल्स डालनी है उन 20 लोगों की जो आप कलेक्ट करेंगे अपने दोस्तों में से, अपने कोलीग्स में से या फ्रीलांसर कम्युनिटी में से कोई जो सर्विस दे रहा हो उनके ईमेल एड्रेस यहाँ पे रजिस्टर होंगे टेस्टर्स के अंदर। और जब भी आप क्लोज टेस्टिंग पे ऐप डालेंगे ना तो यहाँ से एक लिंक जनरेट होता है ये वाला ज्वाइन ऑन एंड्रॉइड ज्वाइन ऑन वेब। तो ये लिंक आप उन 20 टेस्टर्स को देंगे कि यार ये मेरी एप्लीकेशन है जो मैंने टेस्टिंग पर डाल दी है। जब वो ज्वाइन करेंगे आपका टेस्टिंग प्रोग्राम, जब आप उनको लिंक प्रोवाइड करेंगे सो दे विल एबल टू ज्वाइन योर क्लोज टेस्टिंग प्रोग्राम और वहां से वो आपको अपनी टेस्टिंग फीडबैक देंगे। अब टेस्टिंग फीडबैक देंगे, टेस्टिंग फीडबैक आएगा कहाँ पे अब वो भी देख लेते हैं। अच्छा, ये कंप्लीट हो गया, आपने एप्लीकेशन बनाई, उसका बंडल बनाया, उसको क्लोज टेस्टिंग के ऊपर डाल के अपने 20 टेस्टर्स की जो ईमेल है ना वो अपनी आपने डाल दी कहाँ पर टेस्टर्स के अंदर। इसके बाद भाई यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई रिक्रूट टेस्टर्स, आपने टेस्टर्स जो है वो रिक्रूट कैसे करने हैं। तो इन्होंने लिखा भाई अगर आप फिटनेस की एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आप कोई कम्युनिटी ढूंढ रहे हैं ऐसी जो फिटनेस ट्रैकिंग वगैरह चीज़ें यूज़ करते हो, गैजेट्स यूज़ करते हो या फेसबुक पे या कहीं भी लोकली आपके या प्रोफेशनली हो उनको वो एप्लीकेशन दें। बिजनेस पर्सनल कोई एप्लीकेशन है तो आप बिजनेस मैन को दें जो आपके अराउंड कोई ऐसी नोटबुक एप्लीकेशन है, कोई कैलकुलेटर टाइप की एप्लीकेशन है या कोई लेजर टाइप की एप्लीकेशन है तो जिसके अंदर वो टेस्ट कर सकें। अच्छा, टेस्टिंग के अंदर ये चीज़ ख्याल रखिएगा कि थोड़ा सा सेगमेंट्स अलग अलग कर दिएगा, डिवाइड कर दिएगा कि 10 लोगों को आप बोलते हैं यार यूआई की टेस्टिंग करो, 10 को बोलते हैं फंक्शनैलिटी टेस्टिंग करो और उन 10 में से 5 को बोलते हैं यूआई किस स्पेसिफिक पार्ट का करना है। उससे होगा ये, इन्होंने ऐसी कोई चीज़ मेंशन नहीं की कि आप डिवाइड करें टेस्टिंग के अंदर, लेकिन जब वो फीडबैक देंगे ना तो उनका फीडबैक थोड़ा डिफरेंट होगा तो उससे आपकी जो एप्लीकेशन की जो एक वो दिखेगी ना ऑथेंटिसिटी वो ज़्यादा एक प्योर होगी। इसके बाद भाई यहाँ पे लिखा हुआ है इंगेजिंग विद टेस्टर, टेस्टिंग के साथ जो है ना टेस्टर के साथ वो इंगेज रहना है। अब एक कोशिश ये करिएगा कि जब आपके टेस्टर्स आपको फीडबैक देना तो 14 दिन के अंदर आप 1 या 2 जो है ना उसकी रिलीज दोबारा लगाएं वो जो बग्स आपको मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे टेस्टिंग फीडबैक लिखा हुआ है, अब मैं इस टेस्टिंग फीडबैक के ऊपर जाता हूँ। अब देखें यहाँ पे मेरा टेस्टिंग फीडबैक आ रहा है। अब ये क्लोज टेस्टिंग के ऊपर मेरे पास सिर्फ 3 फीडबैक है। अब ये 3 फीडबैक के ऊपर ना आपने रिप्लाई भी देना है और रिप्लाई देने के बाद आपने रिलीज भी निकालनी है इन टेस्टिंग एप्लीकेशन की,
ताकि जब गूगल के पास वो 14 दिन कंप्लीट होंगे तो मेक श्योर कि वो उसको रिजेक्ट ना करें कि आपने टेस्टिंग की जो रिक्वायरमेंट है ना वो कंप्लीट नहीं की। तो ये फीडबैक का जो टैब है ना वो यहाँ से आता है, रेटिंग एंड रिव्यू में टेस्टिंग फीडबैक, ठीक है ना। ये आपके क्लोज टेस्टिंग का पार्ट आ गया, ये आपका आ गया टेस्टिंग फीडबैक का टैब। तो यहाँ से आप जो है ना अपने फीडबैक्स देख सकते हैं, जो जो टेस्टर्स आपको फीडबैक देंगे। ये देने के बाद आपने करना क्या है, इनको फुलफिल करना है, इनको रिप्लाई देना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ कम्युनिकेट करना है, आपने अपने टेस्टर्स के साथ इंगेज होना है, ठीक है ना। इंगेज होने का मतलब ये है कि आप उनको रिप्लाई दें, आप उनकी जो रिक्वायरमेंट बग्स वगैरह आती हैं उसको रिजॉल्व करके एक नई नया जो वर्जन है एप्लीकेशन का वो भी पब्लिश करें। इसके बाद एडवांस टेस्टिंग है। एडवांस टेस्टिंग में ऐसा कोई कोई मैकेनिज्म नहीं है, इसमें यही लिखा हुआ है कि जैसे आप जितना एक्सपीरियंस आपको मिलता जाएगा इन सब चीज़ों से, उतना आप चीज़ों को वो जो है ज़्यादा बेहतर से कर सकेंगे। उसके बाद इन्होंने कुछ अपने कोर्सेज, कुछ प्रोग्राम्स बताए हैं यहाँ पे टेस्टिंग फंडामेंटल्स, वो ज़रूरी नहीं है इतना करना, और कर लेंगे तो वो जाहिर सी बात है वो टॉप ऑफ द नॉच आपकी एप्लीकेशन ही होगी, लेकिन ऐसी कोई रिक्वायरमेंट का पार्ट नहीं है वो। इसके बाद आपने क्या करना है, जब टेस्टिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी ना, तो जो भी एप्लीकेशन आपकी टेस्टिंग के अंदर आ रही होती है ना उसको आप डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जाके प्रमोट टू प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो ये जो प्रोडक्शन वाला टैब है ना, ये जब भी इनेबल्ड होगा आपका, जब आपका 13 नवंबर के बाद का जो नया अकाउंट है उस पर क्लोज टेस्टिंग की ऐप पड़ी भी होगी, उस पर 20 टेस्टर्स के कम से कम फीडबैक आपके होंगे मौजूद वहां पे। आपने मेक श्योर करना कि हर एक टेस्टर्स आपका कोई ना कोई फीडबैक दे। फीडबैक कैसे देगा, जब वो अपनी एप्लीकेशन चलाएगा, आपकी एप्लीकेशन चलाएगा, वो प्ले स्टोर के ऊपर जाए, वहां पे प्राइवेट फीडबैक आ रहा होता है, प्राइवेट फीडबैक टू डेवलपर्स, वो गूगल को पब्लिकली नहीं दिखेगा किसी भी यूजर को, जब आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन पे जाएगी। तो वो प्राइवेट फीडबैक देने के बाद आपके पास टेस्टिंग फीडबैक के टैब के अंदर आएगा, आपने उसको रिप्लाई भी देना है, आपने उसको रिजॉल्व भी करना है 14 दिन तक, 2 हफ्ते तक। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्शन का टैब जो है ना वो इनेबल्ड होगा, और वहां से आप प्रोडक्शन पे लगा सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। ये प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो प्रोडक्शन पे 7 से 8 दिन लगते हैं न्यू एप्लीकेशन को रिलीज जाने में, डिपेंडिंग ऑन द कि वो किस तरह की एप्लीकेशन है। छोटी होती है जल्दी आ जाती है, लोकेशन सर्विसेज नेविगेशन वाली एप्लीकेशन होती है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड किस तरह से कंप्लीट एक प्रोसेस है। बहुत सिंपल सी चीज़ है और कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। मैं इसको कंक्लूड कर देता हूँ। नया अकाउंट बनेगा और जो भी आपकी एप्लीकेशन है उसका आपने साइन इन बंडल बनाना है। एपीके भी बना सकते हैं वरना साइन बंडल बनाएं। क्लोज टेस्टिंग के अंदर यहाँ पर आएँ, अल्फा सेलेक्ट करें, न्यू ट्रैक करें, एप्लीकेशन को यहाँ पर पब्लिश करें और सबमिट कर दें। वो सबमिट होकर जब एप्लीकेशन आ जाएगी 1-8 दिन के अंदर क्लोज टेस्टिंग के ऊपर, तो आपने टेस्टर्स की लिस्ट के अंदर जाके 20 ईमेल्स, एटलीस्ट 20 से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे ऑप्शन आता है 1 से लेके 100 तक का, तो आपने 20 डालने का बस। उन 20 टेस्टर्स की ईमेल डालने के बाद उन 20 को जो है ना यहाँ से जो लिंक मिलेगा टेस्टर्स के नीचे से ज्वाइन वाला, वो लिंक आपने देना है उन लोगों को, और उनसे कहना है कि यार आप एप्लीकेशन टेस्ट करो और मुझे फीडबैक देते जाओ, जैसे जैसे जो चीज़ इंप्रूवमेंट की है, जो बग्स की है, यूआई की है, फंक्शनैलिटी की है, वो आप बेहतर समझ सकते हैं। और जब वो फीडबैक अपना देंगे आपने उन फीडबैक्स के ऊपर रिप्लाई देना है, इंगेजमेंट बढ़ानी है टेस्टर्स के साथ। और उसके अलावा जब आप 1-2 रिलीज और लगाएंगे, 2 हफ्ते तक ये प्रोसेस होगा, टेस्टर्स के अंदर दोबारा आएंगे, क्लोज टेस्टिंग के अंदर सॉरी दोबारा आएंगे, यहाँ से प्रोडक्शन का टैब आपका ओपन हो जाएगा, प्रोडक्शन पे लगाएंगे, 7 या 8 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन प्रोडक्शन के ऊपर आ जाए। सो ये कंप्लीट प्रोसेस है, मैंने जितना सिंपल रख के बता सकता था मैंने बता दिया। नया अकाउंट मेरे पास अभी है नहीं, तो मैं कोई नया एप्लीकेशन इस तरह की जो मैं पब्लिश करके दिखा सकूं। इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। और टिल देन अल्लाह हाफिज़।